गोला थाने की पुलिस टीम ने गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान विजय यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी पांडेपार डंडवा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त लंबे समय से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपने हमराही उप निरीक्षक अनिल यादव, हेड कांस्टेबल राम राम और कांस्टेबल अजीत दुबे के साथ अभियुक्त को उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा। गोला में एक गैंगस्टर का वांछित चल रहा था विजय, उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे उसे रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। सर, उसके पास तो कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, बरामद नहीं हुआ कुछ।